कई बार इतिहास में कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो जनता को बरबस अपनी ओर खींच ही लेती हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा जयपुर राज्य की होली का भी होता था। यहाँ के राजा माधव सिंह द्वितीय ने वर्ष 1903 में होली के त्यौहार पर वृंदावन में ब्रह्मचारी मंदिर के गर्भगृह आंगन में सोने की हजारों अशर्फियाँ बिछाकर दान की थी। महाराजा द्वारा स्वर्ण अशर्फियाँ बिछाने की देश विदेश में खासी चर्चा रही। माधव सिंह होली का त्यौहार बड़े उत्साह से मनाते थे। जनता के साथ होली खेलने के बाद वे जनाना महलों में रानियों व पर्दायतों की महफिल में शामिल होते थे। बताया जाता है कि 1913 में माधव सिंह ने अपना अधिकांश समय जनाना महलों की होली के उत्सव में बिताया। उनकी इस महफिल में नृत्यांगनाएं संगीत व नृत्य की महफिल में चार चांद लगा देती। कामकाज के लिए भागती ताबड़ियों के रेशमी घाघरों की सरसराहट गलियारों में सुनाई देती। सतरंगी मदनोत्सव की रस भरी राजसी धुलंडी पर गुलाल अवीर के रंगों की सुगंध का दरिया बह उठता। पानी के हौज में रंग और केसर घुलती, गुलाल गोटे और पीतल की नक्काशीदार पिचकारियों व डोलचों से आपस में रंग डालते। वर्ष 1914 की होली पर महाराजा के लिए 9 नई पड़दायतें बनाई गईं। दूसरी पड़दायतों व पासबानों को सोने चांदी के आभूषण भेंट किए गए। इतिहासकारों की माने तो पहले महाराजा पर कोई रंग नहीं डाल सकता था, लेकिन अंतिम शासक मान सिंह ने 13 मार्च 1941 को फरमान जारी किया कि अब महाराजा पर कोई भी रंग गुलाल डाल सकता है। इस फरमान से जहां लोगों में खुशी थी, वहीं कुछ लोग हैरान भी थे। तो ये थी पत्रिका.com की विशेष रिपोर्ट।